मिशन वर्ल्ड कप शाहीन ऊंची उड़ान के लिए पुराजम, पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। कौमी टीम दूसरा मैच जीतने के लिए भी तैयार। शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ का आईलैंडर्स को जल्द काबू करने का प्लान। बैटिंग में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इफ्तिखार जौहर दिखाने के लिए तैयार। शाइकी ने क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए दुआगो, बल्लेबाजों को जमकर खेलने के मशवरे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग। बांग्लादेश को बड़ा हदफ देने की जाने पेशकदमी। इंग्लिश ओपनर्स ने की शानदार बैटिंग। डेविड मिलान का लाठी चार्ज, शानदार सेंचुरी जड़ दी। डेविड मिलान 140 और जॉनी बियरस्टो 52 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर 279 रन बना लिए हैं। चार सवालों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजी से दरखास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, आप अपने सवाल जरूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वकील को कौन टोक रहा है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है? जस्टिस मुनीब अख्तर। MQM ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। एक्ट के खिलाफ दरखास्त ने कालादम करार देने की इस्तेदा। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। वकील MQM फैसल सिद्दीकी के दलाल।